दोस्तों यही है हमारी वो दो पेंट मशीन जिसके वीडियो हमारे चैनल पे छाए हुए हैं। हमने इन मशीन पे डाला 500 रुपए लीटर वाला महंगा वाला पेंट, 250 रुपए लीटर वाला मीडियम रेंज वाला पेंट और यही नहीं 120 रुपए पर लीटर की कॉस्ट वाला एक इकोनॉमिकल इमल्शन पेंट। सस्ते सस्ता और महंगे से महंगा इमल्शन हमने यूज किया अपनी इन पेंट मशीन में, लेकिन आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आया कि भाई सस्ते का भी रिकॉर्ड तोड़ दो, 30 से 50 रुपए पर लीटर पर केजी बिकने वाला डिस्टेंपर पेंट को इस मशीन में भर के दिखाओ कि इन मशीन में डिस्टेंपर काम करेगा या नहीं। तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग यही करने वाले हैं, अगर करेंगे तो कैसी फिनिश आएगी या फिर मशीन में कोई खराबी तो नहीं हो जाएगी डिस्टेंपर को यूज़ करते हुए, क्योंकि भाई इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, केवल 30 से 50 रुपए पर केजी के हिसाब से आता है एक डिस्टेंपर। तो यहाँ पे मैं आपको इस वाली रूम के ऊपर डिस्टेंपर करके दिखाऊंगा। वैसे डिस्टेंपर जो है ना रूम के अंदर किया जाता है, लेकिन मेरे पास कोई और दूसरी जगह न होने की वजह से मुझे मजबूरन रूम के बाहर ही आपको चेक करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंपर तो बनके तैयार हो गया, इसे मैंने मशीन में भी फिल कर दिया है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि हम लोग पेंट मशीन से सीलिंग पेंट कर सकते हैं या नहीं, यानी कि ऊपर की सरफेस जो हमारे एकदम सर के ऊपर होती है। तो चलो मैं आपको वो भी चेक करा के दिखा देता हूँ, क्या पेंट मशीन से सीलिंग पेंट होगी या नहीं। देखो ये मैंने मशीन ले गया और कोई दिक्कत नहीं, आराम से सीलिंग पेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सीलिंग कंप्लीट कर ली, बिना किसी दिक्कत के हमारी पेंट मशीन से सीलिंग हो जाती है। बस एक बात का ध्यान रखना होता है, मैं आपको बता दूं, जो अंदर का पाइप होता है सीलिंग की पुताई करते समय इस तरफ होनी चाहिए, ये देखो ऐसे ऐसे, क्योंकि ऐसा होने पर जब हम लोग मशीन को उल्टा करेंगे तो इस पाइप के जरिए इसको इजीली मशीन को पेंट मिल जाएगा, क्योंकि इसके डायरेक्शन नीचे की तरफ है। लेकिन जब हम लोग नीचे की पुताई करें तो इसके डायरेक्शन को भी नीचे की तरफ कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ये जो बकेट से पेंट मशीन को इजीली पेंट मिल जाएगा। अभी आप लोग समझ गए ना, सीलिंग की पुताई करते समय डायरेक्शन ऐसे और नीचे की तरफ पुताई करते समय डायरेक्शन ऐसे, और अपनी जरूरत के हिसाब से बदल लेना चाहिए। तो अब हम लोग बाकी के वॉल की भी पुताई चालू करते हैं डिस्टेंपर से। आप लोग देख लो डिस्टेंपर मशीन में किसी दिक्कत के चल रहा है, लेकिन मैंने ठीक से बंद नहीं किया इसलिए पेंट बाहर से आ रहा है, इसे ठीक से बंद करना भी जरूरी है। तो इस वाली स्प्रे पेंट मशीन में डिस्टेंपर बिना किसी दिक्कत के चला है, मैंने काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर कर दिया है और अभी तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अब मैं रूम को कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको फिनिश दिखाता हूँ कि डिस्टेंपर से पुताई करने के बाद कैसी फिनिश आई है इस मशीन के द्वारा। सस्ता कला यानी डिस्टेंपर जो कि 30 से 50 रुपए किलो आता है, हमारी इस पेंट स्प्रे मशीन में बिना किसी दिक्कत के चला
जबरदस्त फिनिशिंग आई और पेंट स्प्रे मशीन को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, यानी कि हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी पेंट स्प्रे मशीन में डिस्कैम्पर। तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेंट स्प्रे मशीन को खरीदने के लिंक और आई बटन में पेंट स्प्रे मशीन के बाकी के वीडियोस के लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। तो भाई अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बटन दबा देना, और हाँ कमेंट में कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो पूछ लेना जरूर से। इस बड़े बस नहीं, टाटा बाय।